नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए। इस तरीके से डिटेल्स डेटा पाने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में कौन सा कंपनी है। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है IEX। देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए, एक्सचेंज के नाम लेते ही आपको मन में हमेशा यही बात एक बात तो हमेशा देखने को मिली जाते हैं कि ये एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली इस कंपनी अभी भी फिलहाल के लिए मोनोपोली बिजनेस एंजॉय कर रहा है, और एक रिपोर्ट आया था कि उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इसका जो मोनोपोली बिजनेस है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नया रूल्स लेके आएंगे और जिसके चलते ही इसका जो मोनोपोली है वो खत्म हो सकता है। तो फाइनली वो रूल्स अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, वो डिसीजन अभी तक फाइनली यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, जिसके चलते है मुझे लगता है थोड़ा सा अभी भी इस कंपनी का मोनोपोली चल रहा है। और वो रूल्स आ भी जाते हैं तो भी इस कंपनी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है। वो रीजन में आपको बात करूं तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है आप देखेंगे तो ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स फॉर फिजिकल डिलीवरी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाईज है डिलीवरीज है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी के बिजनेस देखिए, कंपनी का ROC ROE तो आपको बेस्ट दिखेगा, कंपनी का डेट एकदम जीरो है, इनकम भी है, और कंपनी के देखा जाए तो डेटर्स डे जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंस लगा डेटर्स डे, वो 6 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो जितने प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट से कंपनी को 6 दिनों के अंदर अंदर पैसा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हाई स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ एक देखने को मिला है। अभी अब इस कंपनी के बारे में और भी डेटा मैं आपको दिखा दूं तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो कंपनी अलग लेवल में रिजल्ट को पब्लिश किया। अभी जो डेटा है वो जून जून मंथ का है, तो जुलाई मंथ का डेटा फाइनली आ जाएगा जल्द से जल्द। और देखिए, रिजल्ट करने के मतलब सेल्स करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ते चला गया। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर पिछली बार का क्वार्टर का जो प्रॉफिट हुआ था उससे कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, हमेशा प्रॉफिट ज्यादा ही होगा, ऐसे होगा नहीं, कभी कभी प्रॉफिट थोड़ा सा वीकनेस भी देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी पॉजिटिव में भी देखने को मिल जाते हैं। अभी रही बात इस कंपनी के बाकी पैरामीटर्स का, जैसे कंपनी का बैलेंस शीट किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी कम होता गया और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ते चले गए, और इसी के चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर आप देखेंगे तो DIS FIS पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। देखिए, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करो तो FIS के पास पहले कितना 36% होल्डिंग्स था, वो 50% के आसपास होल्डिंग्स को यहाँ पे बेच दिया, और उसका फायदा किसने उठाया, पब्लिक ने उठाया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल बेच रहा है, क्या इस जगह पे खरीदारी करना ठीक होगा। देखिए, इंस्टीट्यूशन का काम ही ऐसा है। देखिए, पहले कितना था 15%, फिर से कितना करा किया 17%, आज कितना है 14%। इस तरीके से वो ट्रेड करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखे हैं, वो हमेशा एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ही वो काम करते हैं। और DIS के बारे में बात करें तो DIS भी देखिए कंटिन्यूसली बाय करते जा रहा है, और उसी सिचुएशन के हिसाब से DIS के पास भी होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ, और इसका फायदा डायरेक्टली किसने उठाया, पब्लिक ने उठाया। तो पब्लिक की जो सिचुएशन है वो उसके बारे में बात करो तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में जो कंपनी का डिलीवरी उठाया जा रहा है वो देखिए थोड़ा सा वीकनेस में है। और अभी वीकनेस में क्यों दिखा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस जगह पे उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है जितना पब्लिक कंटिन्यूसली बाय करते जा रहा है। अभी अभी फिलहाल के लिए तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए मैं एक चीज चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो IEX का जो चार्ट पैटर्न है कुछ इस तरीके से ट्रेड बना है। मैं ध्यान से इस चीज को आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से चार्ट पैटर्न अगर आपको किसी भी जगह पे दिखे तो याद रखिएगा वो चार्ट पैटर्न आपको शानदार तरीके से एक टारगेट दे सकते हैं। वो चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेंड बना और करीबन करीबन यहाँ पे करीबन 6 कैंडल बना, और 6 के 6 ही कैंडल ग्रीन में है। और इस ग्रीन कैंडल को मैं मार्किंग करूं तो 21% के आसपास यहाँ पे टारगेट दिखने को मिला है। अब 21% का टारगेट मतलब क्या है, तो इस ये जो सिचुएशन बना इसको एक रेंज ट्रेड कहा जाता है। इसका मतलब कंटिन्यूअसली जो बाइंग ट्रेड बना उस बाइंग ट्रेड को ट्रेड आपको कैसे करना है। अगर इस तरीके से सिचुएशन आपको कभी भी दिखे कोई भी कंपनी के ऊपर तो सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियली चेक करना, तो फंडामेंटल अगर फाइनेंशियल ठीक ठाक है उसके बाद इस ट्रेड के लिए इंतजार करना, जब भी इस नीचे लेवल पे टच करेंगे तब एंट्री बनेगा और इसका टारगेट इस हायर लेवल तक बनेगा। तो इसी रेंज के ऊपर आपको ट्रेड करना है। तो फाइनली
इस लेवल में एंटी बना, और इसका टारगेट कब बनेगा, इसका टारगेट कब बनेगा मुझे पता नहीं, तो कब बनेगा हर किसी को पता नहीं होता, तो कहां तक बनेगा। तो ये जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है, 156 157 रुपीज के आसपास। अगर यहां से यहां तक टारगेट बने तो आपको 22% 21% के आसपास, 22% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो फिलहाल के लिए देखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी तो है, टाइम लग सकता है, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन आपको जल्द से जल्द टारगेट नहीं देता, थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर मान के चलिए एक साल में भी आपको टारगेट मिले तो भी 21% कोई कम टारगेट नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से जब जब ट्रेड बनता है तो तब तब मैं कुछ काम जरूर करता हूँ। और आपका क्या राय है इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करके भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है MCX। देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, देखिए जितने सारे एक्सचेंज है वो सारे एक्सचेंज को एक गुड न्यूज मिल चुके हैं कि अभी जितने सारे ट्रेडिंग किया जाएगा उस ट्रेडिंग में एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो मतलब एक्सचेंज को देना पड़ेगा। और कमोडिटी सेगमेंट में तो और भी प्लस पॉइंट हो चुके हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जो डेरिवरी मतलब इक्विटी जो डेरिवेटिव सेगमेंट था, उस डेरिवेटिव सेगमेंट में ये बताया गया कि अभी मार्केट 9:15 में ओपन होगा और शाम को मतलब रात को 9 बजे 9 PM में क्लोजिंग होगा। तो करीबन करीबन 12 घंटा का जो सीजन था इस सीजन में ट्रेड होगा। तो इस ट्रेड के टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कमीशन किसको मिलेगा, ऑब्वियसली कंपनी को ही मिलेगा, एक्सचेंज को ही मिलेगा। तो कमोडिटी सेगमेंट के जो लीडर प्लेयर है, एक मोनोपोली प्लेयर है, वो है MCX। तो MCX के बारे में एक ही बात कहूंगा, डेफ्री कंपनी है और ROC ROE बेस्ड है, और कंपनी का हाथ में कैश भी है, इनकम भी है, सब कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, आपको कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक नहीं मिला, तो साल भर के डेटा दिखा दो तो कंपनी कंटिन्यूसली हर साल में खुद का जो सेल्स है वो एक ही रेंज के ऊपर रखा है, उतना ज्यादा सेल्स नहीं बढ़ा, उतना ज्यादा नहीं घटा। तो कंपनी के एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो इस बार कितना है, 127 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी में उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक देखने को नहीं मिला। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा इस टाइम के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब ज्यादा ट्रेडर्स बढ़ेंगे तो इस तरीके से कंपनी को फायदा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार मुझे पूछा जाता है, सर BSE NSE वो भी तो एक्सचेंज है, और देखा जाए तो यहाँ पे MCX वो भी एक एक्सचेंज है, तो दोनों में MCX के ऊपर ट्रेड ज्यादा क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए BSE और NSE के ऊपर इक्विटीज के ऊपर भी ट्रेड होता है और डेरिवेटिव्स के ऊपर भी ट्रेड होता है। इक्विटी का मतलब हम लोग कैश में जितने सारे क्वांटिटी खरीदारी कर सकते हैं, एक क्वांटिटी से लेकर जितने ज्यादा क्वांटिटी आप खरीदारी कर सकते हैं। और डेरिवेटिव का मतलब है आप यहाँ पे लॉट में बाय करना पड़ेगा, इसका मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाय करना पड़ेगा। और कमोडिटी जो सेगमेंट है वो पूरा का पूरा डेरिवेटिव्स के ऊपर है, तो इसीलिए शायद वहां पे ज्यादा ट्रेड नहीं होता। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी देखिए काम जब आप करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स एक एक करके समझ में आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है आप M6 के ऊपर फोकस रखिए, एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए इस कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देने के पोटेंशियल लगते हैं। और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए, वो पहले से ही माल उठाकर तैयार हो चुके हैं लॉन्ग जर्नी करने के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने FIs ने क्या किया, FIs ने होल्डिंग को बढ़ा दिया, DS ने भी होल्डिंग्स को बढ़ा दिए, और पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी पहले ज्यादा था उस क्वांटिटी को यहाँ पे बेच दिया। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिस नहीं हूँ कि इंस्टीट्यूशन ने बाय किया तो मैं इस बुलिस हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी को बिजनेस मॉडल्स मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए सोचा। तो कंपनी के जो डिलीवरी का डेटा है आप वो देखेंगे तो MCX का जो डिलीवरी डेटा है यहाँ पे आप इस चीज को देखेंगे तो MCX में लास्ट कुछ फ्यू डेज में डिलीवरी बहुत वीक हो चुके हैं। तो वीक होने के पीछे कारण भी है, तो आपको मैं बता दूं कि बहुत लंबा जर्नी के बाद, यहाँ पे देखिए जर्नी कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं हो, इतना लंबा जर्नी के बाद कभी ना कभी तो रुकेगा, कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक होगा। तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं, फिर भी मैंने एक लेवल बना है, वो लेवल आपके साथ में शेयर किया हूँ एज एजुकेशन पर्पस में, कि यहाँ पे जो लेवल क्रिएट हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और फाइनली वो कप विथ हैंडल को ब्रेकआउट भी किए। और मुझे लगता है यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फिर भी जो टारगेट इसका बनेगा वो 3090 के आसपास। तो इस तरीके से पैटर्न जब बनता है तो उसको आपको फॉलोअप करना चाहिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ब्लाइंडली ट्रेड करना चाहिए। आप कभी भी किसी भी स्टॉक के ऊपर ब्लाइंडली ट्रेड मत करिए, पहले आप सीखिए, उसको जांच करिए, उसको पहचानिए, उसके बाद अगर लगे कि हाँ
ट्रेड करना सही होगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं, आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर ट्रेड करिए, मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है रोसारी बायोटेक्स। देखिए रोसारी बायोटेक्स के बारे में चर्चा करूं तो ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, होम पर्सनल केयर्स के ऊपर, हाइजेनिक के ऊपर, एनिमल्स हेल्थ सिस्टम के ऊपर, हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। और अभी देखिए जो जितने सारे केमिकल्स प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है वो सारे कंपनीज का हालत थोड़ा सा टाइट हो चुके हैं, फिर भी रोसारी बायोटेक्स ने इस बार थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा राहत दिया कि कंपनी सेल्स को इंक्रीज किए, क्योंकि पिछली बार जो सेल था 425 करोड़ से बढ़ के हो चुके 483, और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किए, और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया 24 करोड़ से बढ़ के हो चुके 33 करोड़। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे तो 24 करोड़ से बढ़ के हो चुके कितना 33 करोड़, इसका मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ। और दूसरी बात कंपनी के जो रिजर्व है वो भी बढ़ा, आप देखेंगे तो 94 करोड़ से बढ़ के हो चुके कितना 967 करोड़। और कंपनी का देखिए फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और उसके हिसाब से कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर कंपनी को कर्ज लेने का क्या जरूरत था। ये कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के इस बार 400 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ, और ज्यादा यहाँ पे कर्जा कंपनी को लेना पड़ा इसीलिए क्योंकि कंपनी ट्रेड अच्छा खासा मिला, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, और इस 400 करोड़ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में प्रॉफिट उतना नहीं हुआ, और इस प्रॉफिट ना होने के कारण कंपनी डिसाइड किया कि कंपनी कर्जा लेकर काम करेंगे, इसलिए कंपनी कर्जा उठाया। और बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास हिस्सेदारी है, फिर भी FS के पास जो होल्डिंग्स है वो 5.74% के आसपास है, और DS के पास 17% और पब्लिक के पास 8%। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जरूर कहूंगा कि कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल हाई है, फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि केमिकल्स का जो डिमांड है हर टाइम में ज्यादा देखने को मिलता है, ऐसे नहीं कि आज केमिकल्स का डिमांड है फ्यूचर में नहीं रहेगा, ऐसे बिल्कुल मत समझना, कंपनी के ऊपर केमिकल्स के ऊपर हमेशा डिमांड रहती है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर आपको बात करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, आप देखेंगे तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, दो बार शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद देखिए जो ऊपर गए और यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को फास्ट एक यहाँ पे टच किया, और सेकंड टाइम जब टच करने के लिए गया तो मैंने एक इस जगह पे आपको मेंशन किया था कि इस रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करे तो फाइनली वो जो इसका जो टारगेट है जो रेंज का जो टारगेट बना उस टारगेट तक वो अचीव कर सकते हैं, मगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया और कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे सेल अप हो रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे जो प्रीवियस इसका सपोर्ट बना था, मतलब प्रीवियस जो लेवल था उस लेवल को कंपनी सपोर्ट बनाएगा और इस सपोर्ट को टच करके फिर से वो वापस जा सकते हैं। अभी मार्केट में क्या होगा नहीं होगा वो तो आपको एक एक करके डिटेल्स में जब कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है LTIMindtree। देखिए LTIMindtree आप सभी जानते हैं एक आईटी सेक्टर के लीडर कंपनी है, टॉप 6 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के रिजल्ट अच्छा आया तो उसके बेसिस में कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी कर दिया डिविडेंड देने का। तो कंपनी पिछले दिनों में डिविडेंड ऑलमोस्ट दे चुके हैं, तो इस डिविडेंड किस किस को मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और डिविडेंड करीबन 2000% के आसपास डिविडेंड दिया है। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिला है, अगर जानकारी अच्छा मिला तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।